हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त शुएब हाशमी और आप देख रहे हैं एमएस इंटरनेशनल ऑफिशियल और हम निकल चुके हैं कश्मीर के लिए रोड ट्रिप पे। लेकिन हमें निकले हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है और हम तकरीबन कश्मीर के रास्ते में हैं, जम्मू से कश्मीर के रास्ते में, और ये घाटियों का सफ़र शुरू हो चुका है जो कि आप देख सकते हैं। तो इन्जॉय करें वीडियो को। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं रामबन, जो कि उधमपुर पार करने के बाद पड़ता है कश्मीर के रास्ते में, और ये पड़ता है आपका बनिहाल टनल से पहले, जो कि सबसे लंबी टनल है, तकरीबन 9.5 किलोमीटर की। तो रास्ते में हम चलते जा रहे हैं और हम पहुंचने वाले हैं तकरीबन बनिहाल की तरफ, और रास्ते को एंजॉय करें, क्या खूबसूरत रास्ते हैं। दोस्तों, कल हम निकले थे दिल्ली से, तो तकरीबन 12 घंटे का सफ़र तय करके हम जम्मू पहुंच गए थे, और जम्मू में हमने किया नाइट स्टे। जम्मू में हमने नाइट स्टे करने के बाद में हमने मॉर्निंग में जर्नी शुरू करी जम्मू से कश्मीर की। तो अभी हम तकरीबन बनिहाल पहुंच गए हैं और बनिहाल क्रॉस कर लेंगे हम, फिर हम कश्मीर की मेन एंट्रेंस में पहुंच जाएंगे, कश्मीर मेन जो कश्मीर है उसके अंदर पहुंच जाएंगे। और तकरीबन हमें 6 घंटे लगने वाले हैं इस सफ़र के अंदर। तकरीबन हमने 3-3.5 घंटे का सफ़र तो पूरा कर ही लिया है, बाकी का सफ़र और पूरा हो जाएगा, फिर हम निकलेंगे वहाँ से नॉन स्टॉप। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मेन कश्मीर में एंटर करने वाले हैं, और हम इस टाइम पे मेन कश्मीर के अंदर आ चुके हैं, और इस टाइम हमने जो जर्नी शुरू कर दी है कश्मीर के अंदर, वो दूध पथरी की कर दी है। ये दूध पथरी जाने के बीच में जो रास्ता पड़ता है, दूध पथरी जाने में वो रास्ता है, देखिए इतना खूबसूरत रास्ता है। एक तरफ घाटी है और नीचे नदी है, और साइड में जो है आपको देख रहे होंगे चीड़ के पेड़, जिसे पाइन ट्री भी कहा जाता है। तो एंजॉय करें। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं दूध पथरी। देखिए ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये धुन धुन जो दिख रही है, टोटल बादल है, और इतना खूबसूरत लैंडस्केप है जिसकी कोई हद नहीं। ये लोग बाग घोड़ों पे जा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो घोड़े की सवारी करवाते हैं टूरिस्ट से, और इनका इसी से गुजर बसर चलता है। ये देखिए साइड में कितना खूबसूरत रास्ता है, वादियां हैं, शानदार बेहतरीन लैंडस्केप है। नीचे आपको रास्ता दिख रहा होगा गोल 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 गोल, जैसे कि सांप कोई जा रहा हो, और कभी एकदम से बादल आ जाते हैं, कहीं भी एकदम से साफ हो जाता है मौसम, और आपको जो है गाड़ी के शीशे पे जो है काफ़ी सारा पानी दिख रहा होगा, जो कि इन्हीं बादलों का पानी है। बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है, आप चाहें तो एंजॉय करने के लिए दूध पथरी आ सकते हो। मैं तो कहूँगा बिल्कुल आपको दूध पथरी आना चाहिए, और आपके पैसे वसूल हो जाएंगे दूध पथरी आके, इतनी खूबसूरत जगह है, ज़बरदस्त। और यहाँ पर लोगों को जो है वो टेंट वगैरह भी मिलते हैं, अगर आप रेंट पर टेंट वगैरह लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो टेंट वगैरह लेके यहाँ पे अपन अपने जो है कुछ भी बना के और एंजॉय कर सकते हैं, बना के खाएं, एंजॉय करें, साथ में सामान ला सकते हैं। ये देखिए वो सब बादल हैं उधर, और इधर लैंडस्केप देखें, बादल आगे आते जा रहे हैं, लोग बाग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी इंजॉय करें। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बहुत ही खूबसूरत जगह जिसको बोला जाता है पीर पंजाल पास। यहाँ के लोकल कश्मीरी लोग इसको पीर की गली भी बोलते हैं। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह, मैं अल्फाजों में बयां नहीं कर सकता आपको। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ एक्चुअल में क्या है, ये हिडन प्लेस है, हिडन प्लेस इन द सेंस, यहाँ पे मतलब टूरिस्ट बहुत ना के बराबर आता है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, और आप यहाँ आ सकते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और फुल इन्जॉय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ आए थे, और फुल इन्जॉय हो रहा है, फुल इन्जॉय। चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ मिलेंगे आपको, खूबसूरत लैंडस्केप मिलेंगे,
और आप यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। हम भी ट्रैकिंग करके आगे जो है स्नो माउंटेंस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए हम लोग साथ में एंजॉय कर रहे हैं। आप भी इसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, आ सकते हैं पीर पंजाल पास। दोस्तों अब निकल चुके हैं पीर पंजाल पास से वापस अपने होम स्टे के लिए जहाँ पे हम रुके हुए हैं। एक्चुअल मैं यहाँ तकरीबन 40 किलोमीटर यहाँ से नीचे उतर के शोपियान एक डिस्ट्रिक्ट है, शोपियान शहर है जो कि बहुत खूबसूरत शहर है, और हम लोग चाहते थे कि हम कश्मीरियों के बीच में रहें, ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर ना रहें जैसे कि श्रीनगर है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, ऐसी जगह पर ना रहें। हम कश्मीर का फुल जो कल्चर है वो एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए हम शोपियान जा रहे हैं जो कि पीर पंजाल पास तकरीबन 40 किलोमीटर है नीचे उतरने के बाद। तो शोपियान के रास्ते में हम हैं, और फिर हम जब शोपियान, दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, शोपियान शहर के अंदर। बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही पीसफुल शहर है। आप भी आ सकते हैं, होम स्टे ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं कश्मीरी कल्चर को। और अभी हम आपको दिखाएंगे आगे चल के कि यहाँ पे जो है यहाँ से जम्मू कितना है, श्रीनगर कितना है, और ये कौन सा रोड कहलाता है जो कि आपको पीर पंजाल पास ले जा सकता है, और जम्मू से कितना है शोपियान, ये सब चीज़ें बताएंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जम्मू जो है तकरीबन 213 किलोमीटर है, और यहाँ से श्रीनगर जो है 56 किलोमीटर है। ये आपको सामने बोर्ड दिख रहा होगा जो कि मुगल रोड का है, ये पूरा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है ये मुगल रोड, और यहाँ से पीर पंजाल पास आपको पड़ता है 40 किलोमीटर ऊपर जाकर, जो कि मुगल रोड पर ही आता है। ठीक है दोस्तों,